ओके तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि द फूल का कार्ड अगर लव रिलेशनशिप में उल्टा आता है तो इसको कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली तो सावधानी बरतनी है लव रिलेशनशिप में, क्योंकि खतरा है। ठीक है, उल्टा कार्ड आता है इसका मतलब क्या है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, भागना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है चीजों को। निराश जो हो रहे हैं ना आपके जो लव वन है, वो आप ही के वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप लापरवाह बन रहे हो, आप चीजों को नहीं देख पा रहे हो। शंकाएं बहुत सारी आ रही है आपके दिलो दिमाग में, कि शायद शक भी कर रहे हो आप। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलने के लिए पहले उसका जो पार्टनर है उसका कार्ड देखना है कि सच में वो पार्टनर इनके प्रति लॉयल है या नहीं। ठीक है, तो बस लव रीडिंग के लिए एक कार्ड के ऊपर जो रीडिंग करनी है वो यही है कि लापरवाह नहीं बनना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, नजरअंदाज नहीं करना है, और एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है। ठीक है, अगर आप बातचीत नहीं करोगे या फिर आपकी बातचीत आपके पार्टनर को टोक रही है, ठीक है, बंदिश में लग रही है, फ्रीडम नहीं लग रहा, क्योंकि हमने देखा था सीधा आएगा तो स्वतंत्रता है, उल्टा आएगा तो बंदिश है, बांध के रखा हुआ है, मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे, या मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीने नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आ सकती है। ठीक है, और क्या इसमें है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही करिए, सोचिए समझिए फिर बोलिए। आप ऐसे ही बहते गुस्से में कुछ भी बोल दोगे तो क्या होगा, रिश्ता खराब होने के चांसेस है। नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बननी है। अगर कोई आपका दोस्त आपको खराब राय दे रहा है आपके रिश्ते के लिए, तो उसकी नहीं सुननी, अगर सुनेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन वो गलत तरीके से होगी। गलत तरीके से होगी ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना, और संयम रखना है, संयम यानी कि कंट्रोल रखना है, बहना नहीं है, रुक रुक के चलो, सीधा भागो मत, छलांग अब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उल्टा आएगा तो नहीं लगा, गिर नहीं जाओ। ठीक लगाएंगे। है, तो प्यार का जो आपका जो भी चल रहा है, फिर वो लव रिलेशनशिप में हो नहीं हो, या फिर शादी में हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो कुछ भी हो, तो इनको कहना सावधान रहे, आप जो भी रिश्ता है वो खतरे में है, थोड़ा आपको शांत रहना, रुकना, सोचना, समझना, मेडिटेशन करो, लव अफर्मेशन सुनो, बहुत सारे जैसे रेमेडीज होती है वो सारी रेमेडीज आप बता सकते। ठीक है, क्लियर क्योंकि है? ये होता है कि वो मतलब जो कोई इनका मतलब जिसके साथ है वो इनका उनके भोलेपन का फायदा भी उठा सकता। फायदा उठा सकता है, लेकिन ये मैंने वही कहा कि जो पार्टनर है उसके कार्ड के ऊपर भी आएगा। ठीक अच्छा, है, ये बस मैंने जो अभी रीडिंग बताई, ये बस इसके लिए जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए बताई, उसका पार्टनर ठीक है। कैसा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, तो ये सारी उल्टी चीजें सोच रहा होगा कि आप बहुत ही भोले हो, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, ये चीजें सोच रहे हैं, हाँ, आप में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप आगे जाओ, आगे बढ़ो, हालांकि आप में वो पोटेंशियल है, काबिलियत है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, ये सारी चीजें आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है। अगर करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में या करंट थॉट में ये सारी चीजें आती है, तो राइट, वो पूछते ओके। हैं ना करंट फीलिंग, करंट फीलिंग में उल्टा कार्ड आ गया, इसका मतलब क्या, आपका पार्टनर चाहता है कि आप नई शुरुआत करो लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपका हाँ, पार्टनर चाहता है कि आप बहुत ही फोकस रहो लेकिन आप लापरवाही कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस है आपसे, ये सारी चीजें आप बता। ओके। ये क्लियर हो गया, रिश्ते में जब उल्टा कार्ड आता है द फूल का तो क्या कहना है। कहते हैं